यार चेन्नई की हार में यूं तो निश्चित तौर पर कई सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन एक शख्स क्या बात करी जाए अब इनकी। मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूं रोहित जुखलान, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पे। केदार जाधव ने यार जिस तरह की आज बल्लेबाजी की, मतलब दिल तोड़ दिया यार। सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते उन्हें बल्लेबाजी के, लेकिन जब मौके मिलते हैं यार तब तो कम से कम रन बनाओ। मतलब कि एक तो आपसे ऊपर ब्रावो को नहीं भेजा गया, उसको लेकर के अलग विवाद मचा हुआ है कि भाई ब्रावो को क्यों नहीं भेजा आपने। जो ब्रावो एक्सपीरियंस भी हैं, अटैकिंग भी हैं, जिनको देखकर लगता है कि वो स्कोर भी जाधव से बढ़िया कर लेते, लेकिन केदार जाधव यार मुझे लगता है अब ये ओवररेटेड क्रिकेटर हो गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी लगातार इन पर विश्वास करते आए हैं, इनकी फील्डिंग को लेकर, इनका वो जो साइड आर्म एक्शन होता था उन चीज़ों को लेकर इनसे लगातार बातचीत होती रही है, और मुझे लगता है कि अब हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड क्रिकेटर है। और जिस तरह की आज बल्लेबाजी की, दिल तोड़ दिया सही मायनों में। और लग यही रहा था कि यार केदार जाधव आए हैं, कुछ उम्मीदें भी हैं, निश्चित तौर पर इंडिया खेल चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, शतक लगा चुके हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो पुणे में शतक लगाया था, बहुत यादगार पारियां खेली है। लेकिन आज जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी उससे बिल्कुल उल्टा खेल गए। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही केदार जाधव है जो भारत को मैचेस जिता चुके हैं, जो चेन्नई को इतने मैचेस जिता चुके हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आप इंडिया नहीं खेलते हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंस शैटर होना शुरू होता है, और अब लग रहा है कि वो चीज़ दिख रही है केदार जाधव की बल्लेबाजी में। मतलब ना वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ना वो शॉट्स नज़र आ रहे हैं, ना वो अटैक नज़र आ रहा है, ना वो एग्रेसिव बल्लेबाजी नज़र आ रही है। इस तरह का कोई भी क्वालिटी उनकी बल्लेबाजी में नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों से इस पूरे के पूरे मसले पर बात करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतजार करूंगा कि आप लोगों को भी क्या यही लगता है कि आज का मैच चेन्नई जहां से हारी, कम से कम लड़ते तो सही यार, बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश तो करते, वो कोशिश भी कहीं नहीं दिखी, सबसे बड़ी बात यह है। और उस कोशिश को छोड़ दीजिए आप, उस कोशिश के इर्द गिर्द कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी जहां केदार जाधव ने प्रयास करा हो कि चलो यार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करता हूं, और कुछ गेंद बल्ले पर आएगी तो देखते हैं क्या किया जा सकता है, कैसे जिताया जा सकता है। लेकिन वही यार, बहुत कुछ इस मैच में हुआ जहां पर चेन्नई मैच को हार गई। एक वक्त पैसा लग रहा था चेन्नई की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर उसके दूसरे ही पल ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि चेन्नई इस मुकाबले को हार चुकी है। और इसमें मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इस मुकाबले को हराने के पीछे, उस खिलाड़ी का नाम केदार जाधव है। बोलते हुए दुख हो रहा है क्योंकि केदार जाधव एक बढ़िया खिलाड़ी हैं, मैं आज भी मानता हूं कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आज की उनकी पारी, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब क्या ही कहा जाए उस पारी के लिए। महेंद्र सिंह धोनी का विश्वास भी उन्होंने ज़रूर तोड़ा होगा, और महेंद्र सिंह धोनी को भी ज़रूर लगा होगा कि यार इस खिलाड़ी पर इतना विश्वास जताया था, और आज जब इसकी ज़रूरत थी, आमतौर पर उनकी बल्लेबाजी का मौका नहीं आता है, लेकिन आज जब आया तो खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसे खिलाड़ियों को फिर बचा कर रख पाना या उनका कॉन्फिडेंस बना के रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं क्या करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़रूर अपने कॉमेंट में बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।